नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज दिन के मुख्य समाचार। जेईई नीट परीक्षा के खिलाफ सड़कों पर उतरी कांग्रेस, भूख हड़ताल पर NSUI कार्यकर्ता। कोरोना के किसी मरीज में सिर्फ 50 दिन तक की रह सकती है एंटीबॉडी। नीट जेईई सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद को बताया विदुर। छात्रों को द्रौपदी और मुख्यमंत्रियों को कहा कृष्ण। भारत में कोरोना पहली बार एक दिन में 77,000 से अधिक मामले, 1,057 लोगों की हुई मौत। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा केवल कुछ जातियों को मिल रहा लाभ, कुछ अब भी पिछड़ी है। कोलकाता कॉलेज में मेरिट लिस्ट में सनी लियोन का नाम शीर्ष पर, मचा हंगामा। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा पेड न्यूज से ज्यादा खतरनाक है फेक न्यूज। UGC अंतिम वर्ष की परीक्षा होगी या नहीं, आज फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। हिंदी है हम अभियान में और बड़ी पाठकों की भागीदारी, तीसरे सप्ताह भी उत्साहजनक परिणाम। राज्य खुद अपनी असल स्थिति के बेहतर जज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मुंबई में दो इमारतों के हिस्से गिरे, दो लोगों की मौत, एक जख्मी। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता से ही बढ़ेगी भारत की आंख, नरेंद्र मोदी जी ने कहा। नए एयर डिफेंस कमांड की रूपरेखा पर तेजी से काम, वायुसेना दिवस पर हो सकता है ऐलान। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज AR लक्ष्मणन का निधन। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना से ले जाई जा रही शराब की 242 बोतलें जब्त, 3 गिरफ्तार। GST काउंसिल की बैठक में दो पहिया वाहनों पर GST दर घटाने पर नहीं हुआ कोई फैसला। अमेरिका और रूस के सैनिक सीरिया में भिड़े, जानिए पूरा मामला क्या था। पुतिन की इस घोषणा से बड़ी हलचल, फोर्स भेजने की तैयारी। पुतिन अपने विरोधियों को हटाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। चीन कोरोना की वैक्सीन बिना ट्रायल पूरा हुए ही लगा रहा है। चीन के सर्वे में मोदी सरकार के बारे में क्या क्या कहा गया। GDP का चक्का उल्टा घुमा तो क्या होगा असर। दिल्ली दंगों पर अपनी जांच रिपोर्ट में एमनेस्टी ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। दिल्ली पुलिस पर दंगे ना रोकने, उनमें शामिल होने, फोन पर मदद मांगने पर मना करने पर पीड़ित लोगों का अस्पताल तक पहुंचने से रोकने, खास तौर पर मुसलमान समुदाय के साथ मारपीट करने जैसे संगीन आरोप लगाए गए हैं। BJP नेताओं के आपत्तिजनक बयान पर बोले मुख्तार अब्बास नकवी। योगी सरकार के निशाने पर बड़े माफिया नेटवर्क, 300 करोड़ की संपत्ति जब्त। रिया पर भड़की सुशांत की बहन, मौत के बाद मेरे भाई की छवि खराब कर रही। चीन ने मोदी सरकार को लेकर कराया सर्वे, सामने आई कई अहम बातें। सुशांत के घर 8 जून को क्या हुआ था, यह चक्रवर्ती ने बताई पूरी बात।